आज मैं आपको बताऊंगी थालपोश। थालपोश के लिए हम सबसे पहले जो मैंने आपको चेन बनाई थी, ये देखिए इस तरीके से आपको गठान लगानी है। ये एडजस्टेबल गठान है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हम बड़ा रखेंगे। ये मेरा आप पहले वाला वीडियो देख लेना तो आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। अब हम चेन बनाएंगे। ये देखिए ये है हमारा, इसके अंदर डाल के हमने ये चेन बनाना स्टार्ट कर दी है। देखिए हमें जितनी हमें चौड़ाई रखनी है गोले की, उतनी ज़्यादा हम चेन बना लेंगे इसमें से। ये देखिए ये हमने इतना लिया है। अब हम ये जो लास्ट वाला है इसमें डाल के क्रोशिये को और एक इसमें आटा लगाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए अब हम इसमें चावल बनाएंगे। तो चावल बनाने के लिए हमारे पास ये एक तो है, ये इसमें आटा लगाएंगे, फिर इस गोला, ये जो गोला है इसके अंदर से हम क्रोशिये को निकालते हुए, ये देखिए हमने तीन कर लिया, 1 2 3। अब 3 को हम 2 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ऊन है इसमें आटा लगा के 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 2 का 1, और अब हम फिर से 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 3 और ये 2 और ये 1। गाइज आप प्लीज़ इसको देखने के लिए आप चावल और चेन की प्रैक्टिस करिएगा। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है आप वो देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं मेरा पूरा गोला बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ये डाला, ये 3 हुआ, 3 का हमने 2 करा, 2 का हमने 1 करा। ये देखिए उंगली पे हम लपेटते जाएंगे इस तरीके से, फिर से हम लेंगे, फिर से हम ये 3 का 2 2 का 1, ये चावल बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं सारा गोला कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए गाइस ये हमारे चावल बन रहे हैं, इनको पास में खिसका देंगे हम। ये देखिए ये बन के तैयार है हमारे चावल। और इस तरीके से मैं ये पूरा गोला कंप्लीट करूँगी। ये फिर से 1 लिया, इसके अंदर डाला, ये 3 हो गए। कर लिया है, हमने इतना बड़ा बना लिया है। चेन के ऊपर चावल लेते गए हैं और कहीं पे हमने 2 लिए चावल एक साथ। अब इसी तरीके से हम इसको और बड़ा कर लेंगे। आप चाहो तो अभी स्टार्टिंग में इसके डिज़ाइन डाल सकते हो, बट हम डिज़ाइन नहीं डाल रहे क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको चेन और चावल बनाना बताया था। तो अभी मैं केवल सिंपल आपको बताऊँगी और सिंपल ही डिज़ाइन डालना मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं अपना ये पूरा कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए हमने इतना बड़ा इसको कर लिया है। अभी मैं करीबन ये देखिए गाइस हमारा बिल्कुल भी सल नहीं पड़ रहा है इसमें। ये देखिए बिल्कुल सीधा है, ये सीधा इसलिए है गाइस कि मैंने इसमें चावल बढ़ाती गई हूँ। मैं यहाँ पर कहीं पर 2 लिए हैं, फिर थोड़ी देर दो तीन बार चावल लिए हैं, फिर मैंने 2 ले लिए हैं, 1 में 2 बना लिए हैं। इस तरीके से मैं ये चावल बढ़ाती गई। देखिए अभी मैं 2 बना रही हूँ, 1 चावल ले लिया। अब इसी में मैं दोबारा से ये क्रोशिया डालकर और यहाँ पर ये 2 फंदे मैंने ले लिए। ये देखिए अब मैं 1 लूंगी, फिर से मैं 1 लूंगी। ये देखिए गाइस ये देखिए अब मैं यहाँ पर करीबन मैंने 3 चावल ऐसे ही ले लिए हैं, ये चौथा ले रही हूँ। और अब मैं 5वें चावल के अंदर हमारे 2 चावल लूंगी। ये मैंने 1 ले लिया है, अब मैं यहीं पर दूसरा चावल ले लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हुआ लूँगी। अभी मैं डिज़ाइन नहीं डालूँगी गाइस, अभी मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँगी। ये देखिए गाइस मैंने इतना बड़ा इसको बना लिया है। ये देखिए चेन के ऊपर चावल ले लिए, चेन के ऊपर चावल ले लिए हैं, हर चेन के ऊपर चावल लिए हैं। और 4-5 चावल लेने के बाद हमने 1 चावल के अंदर 2 चावल हमने बना लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, तो आप ध्यान से देखिएगा।
ये हमने यहाँ पर दो तीन चेन बना ली, ये देखिए चेन बना ली हमने। अब इस चेन को हम तीन चावल, दो चावल छोड़ के तीसरे चावल के ऊपर हम ले लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके का यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये खाली, ये देखिए। इसी तरीके से हम हमारा ये आगे का, ये देखिए चेन बना ली आगे की। ये चेन करीबन मैंने लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 चेन मैंने लिए। ये देखिए तीन चावल के बाद मैंने चौथे चावल पर ये बना लिया। ये देखिए ये फिर से मैंने ऐसे करके तीन चावल के बाद ये चार पे कर लिया। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना अच्छा हमारा लुक आया है। अब मैं इसी तरीके से चारों तरफ राउंड राउंड बना लूंगी। ये देखिए गाइस, ये हमारा इतना बन के तैयार है। ये हमने चेन ले ली कम से कम भी 5-6 और कर लिया। ये देखिए अभी मैं करके बता रही हूँ आपको, ये लेंगे हम 4-5 चेन। इसमें चावल का उपयोग नहीं करना है, हमें चेन ही लेनी है। ये देखिए अभी हमारी इतनी जगह खाली है, इसको एडजस्ट करना है। एक चावल ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे वाले चावल में ले लेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ ले लेंगे। ये देखिए हमारा एंड हो गया है। ये देखिए एंड करने के लिए जो हमारा एक ये जो हिस्सा है, इसमें से हम हमारी सारी ऊन को निकाल लेंगे, क्रोशे को हम रख देंगे। ये देखिए और इसको सीजर से काट देंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन इधर बची हुई है इसको भी हम काट देंगे। ये देखिए ये गाइस थालपोश इतना छोटा नहीं होता, इतना बड़ा होता है। आप उसका साइज और बढ़ा सकते हो थाली के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मैं केवल आपको नमूना बना के बताया है, इसलिए मैंने ये छोटा बनाया है। ये देखिए अब मैं इसमें आपको ये बांधना बताऊंगी। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको तोड़ना बताती हूँ। इस तरीके से चार उंगली आप लेना, ये देखिए चार उंगली हमने ले ली। इसके ऊपर ये चार आटे दे लिए हमने और इसको हम तोड़ देंगे। ये देखिए कैंची की सहायता से आप यहाँ से काट दीजिएगा। ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से हम इसको चार बार लपेट लेंगे। आप चाहो तो ज्यादा भी लपेट सकते हो। फिर इसको हम कैंची की सहायता से यहाँ पे काट देंगे। अब हम थोड़ा सा टुकड़ा और काट के रख लेते हैं पास में इसको बांधने के लिए। ये देखिए ये जो हमारी जगह खाली है इसमें हम इसको बांधेंगे। इसको बांधने के लिए ये देखिए हमने यहाँ से आधा भाग इधर लटकाना है, आधा भाग इधर लटकाना है। फिर इसको इस तरीके से पकड़ के और जो हमने ये काटा था उसको इसके चारों तरफ लपेटेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम गठान बांध देंगे। गाइस यहाँ पे दो गठान लगाइएगा आप, नहीं तो ये खुल सकती है। ये देखिए ये हमने दो गठान लगा दी। अब हम जो ये बीच वाले पोर्शन है इनको काट देंगे। ये देखिए अब आप इसको इक्वल करिएगा इस तरीके से पकड़ के। ये आपको छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, इनको आप काट दीजिए। ये देखिए ये सेम शेप और साइज के हो गए। ये देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे में कर लिया है। ये देखिए हमारा ये बनके हमारा तैयार है। आप इसको इतना बड़ा भी बना सकते हो और उसका साइज बड़ा कर सकते हो, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। और ये हमने एक को छोड़कर एक गेप देके हमने बांधा है। आप चाहो तो यहाँ कंटिन्यू बांध सकते हो पूरे में। तो लाइक, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।